काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित IDBHU के स्थिक डायरेक्टरेट ऑफिस के पीछे आज वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहां के मंडलाधिकारी श्री रवि जी का आगमन हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। आइए, तीन लोग मिलके, चार लोग मिलके लगा सकते हैं। सर आप आए, आप आए, सर आप आइए। पौधा निकाल दो, ऊपर आप देख सकते हो हरिशंकरी पीपल पाकर और बरगद एक साथ लगाए जाते हैं। ये लग रहा मैडम, ये देखिए हरिशंकरी, अभी सुबह बात हो रही है। पिछले साल दो साल पहले से ही इसको दबाइए थोड़ा सा, अच्छे से पाकड़ मानी प्रधानमंत्री साहब, मैंने पाकड़ क्योंकि ये बच्चे इंटर्नशिप कर रहे थे, इनको अपनी रिपोर्ट में लगानी थी। आप लोग साथ ही सरकार को अरे देख लीजिए, आप देख सकते हो ये गुलमोहर है। भैया थोड़ा सा आप सर प्रणाम। सर मेरा एक चैनल है सर, मैं IDBHU से पढ़ा हूँ सर। जिन्होंने सर आज के शुभ अवसर पर कुछ वैसी चीज़ें बताइए जिससे कि लोगों के अंदर प्रोएक्टिवनेस हो, क्योंकि बड़े लोग तो बड़ा काम करके जाते हैं लेकिन वो केयरिंग फॉर्मेट में बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 1 जुलाई से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष हम लोग जो है वन महोत्सव मनाते हैं अपने भारत देश में। ये एकमात्र ऐसा महोत्सव है जो भारत में भारत के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, है ना। और इसकी शुरुआत श्री KM मुंशी जी, जो हमारे फर्स्ट केंद्रीय मंत्री हुए थे, कृषि मंत्री, उन्होंने की थी। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो 1 से 7 जुलाई का समय है, इस समय जो धरती होती है वह प्लांटेशन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। हमारे पास बारिश भी होती है, हमारे पास बीज भी होते हैं और हमारे जो पौधे होते हैं वो भी आगे के लिए तैयार होते हैं। तो इस 1 से 7 जुलाई में हम लोग पूरे भारतवर्ष में इस महोत्सव को मनाते हैं और इस महोत्सव में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए, लोगों को एकत्र करने के लिए हम लोग इसमें विभिन्न विभागों का और विभिन्न संस्थाओं का सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस बार जो हम लोग प्लांटेशंस कर रहे हैं उसमें हायर एजुकेशन और अन्य संस्थाओं को भी हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। तो आज जो है, आज हम लोगों ने IIT BHU को, यहाँ के रजिस्ट्रार जो हैं उनके सहयोग से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। हमारे साथ द डायरेक्टर इज ऑल्सो हियर।
तो फैकल्टी मेंबर्स भी मिलकर के आज इस प्लांटेशन ड्राइव में अपना भाग दे रहे हैं, और इसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे कि हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को हम कैसे इन्वॉल्व करें या हम यहाँ के स्कॉलर्स को कैसे इन्वॉल्व करें। तो जैसे बात हुआ था, पहले NSS स्कीम चला करता था, नेशनल सर्विस स्कीम, NSS स्कीम चलता था, चल रहा था जिससे बच्चे जाके कैंप करते हैं, गंदी बस्तियों को साफ करते हैं, स्वच्छता कार्यक्रम चलाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। तो उसमें उनको कुछ हम लोग क्रेडिट्स दे सकते हैं, तो कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के क्रेडिट्स होते हैं उसमें वृक्षारोपण को भी शामिल किया जाए और बच्चों को क्रेडिट सिस्टम से उनको लाभ दिया जाए। बिल्कुल सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कुछ कहोगे? बिल्कुल, आपके सहयोग से आज हम लोगों ने यहाँ पे ITBHU में जो प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है वो पूरे वन जो सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी एक रिक्वेस्ट पे आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और आप हमारे बीच में आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो निश्चित ही मैंने अभी कहीं कहा भी था कि इसमें स्टूडेंट्स को जितना हम इन्वॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, तो निश्चित रूप से आज शुरुआत है, क्योंकि जैसे ये बच्चे हैं उनका भविष्य जैसे है बच्चों का भी भविष्य वैसे ही है। सर आप कुछ? पहले तो रवि जी का धन्यवाद, उन्होंने आकर यहाँ वृक्षारोपण करवाया और लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं कि जुलाई में ही क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी बताया। लेकिन 1-7 जुलाई की हम पूरी जुलाई क्यों ना अपने संस्थान में ये कार्यक्रम करें। अभी नए बच्चे आने भी वाले हैं, 1580 बच्चे लगभग हमारे यहाँ सेलेक्ट होते हैं, तो कम से कम हर साल एक नया बच्चा आए, 4 साल तक यहाँ रहेगा, 4 साल तक पोषित करें उसे, तो वृक्ष जो हैं बहुत बढ़ सकते हैं, जिसकी कमी है, अभी अभाव है उन पूरी दुनिया में, हमारे देश में तो ज़्यादा ही है। सुना गया है कि एक प्रति व्यक्ति 421 वृक्ष चाहिए इसके लिए, और सबसे नीचे हमें चाइना, इवन अमेरिका भी बहुत हमसे पीछे नहीं है, वो भी ऐसा ही है, डेनमार्क वगैरह, नॉर्वे, या तो पॉपुलेशन कम है उस वजह से, तो हमें तो वृक्षारोपण की अत्यधिक आवश्यकता है। अपने धन्यवाद करता हूँ इनका, रजिस्ट्रार जी का, जिन्होंने इन्हें आमंत्रित किया। नहीं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैम, फर्स्ट से लेकर जैसे बताएगी कि 1-7 तक हम लोग वन महोत्सव मना रहे हैं, तो BHU IIT में आज हम आए हैं एक वृक्षारोपण करने। हरी शंकरी लगाया है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ट्रीज, पीपल, पाकर एंड बरगद। तो बच्चे जुड़े हैं इनके साथ और ट्रीज़ अडॉप्ट करें, ख्याल रखें, ताकि हमेशा उनके मन में इन्वायरमेंट को बचाने का रहे। और सर मेरा एक निवेदन है, मैक्सिमम क्या होता है कि एक पेड़ लगता है तो उस पर कई लोग 10 लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, तो एक मतलब ऐसा सर्कुलेशन होना चाहिए कि शहर में जहाँ भी लोग पेड़ लगाएं तो एक लोग जो लगाएं वो फ़ोटो एटलीस्ट 1 या 2 लोग, ठीक है? तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेड़ तो लग जाते हैं सर, ठीक है, पेपर में पूरा छप जाता है, लेकिन हार्डली बहुत कम रहते हैं। आप चाहते हैं डुप्लीकेसी और बेनिफिट को रोका जाए। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे काम के लिए जिन लोगों ने कदम आज बाहर निकालने हैं बिल्डिंग से, उन सबको धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने पेड़ लगाए उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, और जिन्होंने ये यहाँ पे यह संकल्प लिया कि हम जुलाई भर लगाएंगे उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। तो इस मुहिम में जो आए हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक NGO सेक्टर से हम मेरे ख्याल से आप लोग वहाँ भी कवर करिए। हाँ, चल रहे हैं सर। वन प्लांट, आप देखो ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़, और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत इन लोगों का है जो जो लगा रहे हैं, और उनका भी नहीं सर, आपका भी है बस उसको पिंडली पे नहीं जोड़ दीजिएगा, साइड से जोड़ दीजिएगा, सब लोग आ जाएंगे। हाँ, ये मऊआ लग रहा है ना, ये चार पाँच साल। अरे आइए, ये मऊआ लगाया, अरे वाह, बहुत बढ़िया लगाया, बहुत सुंदर आइए। नहीं आप आइए, आप देखिए मट्टी और।